स्टेडियम में मौजूद है। आपसे थोड़ी देर पहले जो आपको वीडियो दिखा रहे थे वो थी पीएफ बेस की, जहाँ 25,000 बोरे मजीद उनको दे रहे हैं। पीएफ बेस को 50,000 बोरे उनके कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे यहाँ पर राशन तैयारी का अमल शुरू हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ ग्राउंड में क्यों बोल रहा हूँ छोटा पड़ गया। दिल भाई देखे, अभी सिर्फ 18,000 बोरे आटा और चीनी और ये तकरीबन दाल और चावल उतरा है। अभी 32,000 बोरे आटा रह गया है। अभी आप देखें सब हरा हरा जो कार्टन रखा हुआ है कुकिंग ऑयल है। जहां भी आप देखेंगे पीछे भी देखें, ये पीछे भी जहां आप नजर आ रहे हैं सारा कुकिंग ऑयल फैला के इससे रखा है क्योंकि बोरे बनने हैं। अब जब बोरे बनेंगे तो लाजमी बात है ये जितने पायलट आपको नजर आ रहे हैं ये हजार हजार बोरे आटे के हैं। अभी यहाँ पर 32,000 बोरा आटा और आएगा, 50,000 बोरे और 50,000 1,00,000 बोरे की पाकिस्तान की सबसे बड़ी राशन की ड्राइव जारी है। सिंध रेंजर्स इस राशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एयरफोर्स उसको कर रही है, मजीद भी वही करेगी। मच्छरदानियां लाखों की तादाद में तैयार हो रही है। अदील मलिक साहब कुछ दावत पे कराची आए थे। अदील भाई क्या मैसेज देंगे देखने वालों को और आगे की तैयारियां मजबूत हैं कि नहीं है? जी मैं सब देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के पाकिस्तानियों के लिए इस कॉज में आप सारे शामिल हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है। ये इतनी बड़ी तबाही है कि ये JDC अकेला नहीं पूरा कर सकता और भी अदारे अकेले नहीं पूरे कर सकते। हम सारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि इस मुश्किल वक्त में हम सारे अपनी मुसीबत ज़दा जितनी हमारी आवाम है, जितनी मुसीबत ज़दा ये सैलाब में जितने फैक्ट्री हैं, इन सब का हमने साथ देना है। वरना कल उस बारगाह में जाके हम जवाब नहीं दे सकेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने इस मुल्क से ही सारा कुछ हासिल किया ना, तो आज पे बैक का टाइम है। तो मैं सबसे अपील करूँगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बढ़ चढ़ के इस काउज में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया दिल भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। शदीद मलेरिया में थे, बहुत मुश्किलात ने ड्रिपे लगी हुई थी, फिर भी कराची है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। सादिक साहब क्या समझते हैं सर, 50,000 बोरों की पैकिंग में हमारे वॉलंटियर्स भी लगेंगे, आपके भी लाजिम बात है रेंजर्स के अहलकार लगेंगे, कितनी बड़ी टीम लगेगी और किस पैमाने पर सिंध में आप लोग इस सैलाब में काम कर रहे हैं? जी जफर भाई, यकीन जब भी इस तरह का कोई मुश्किल वक्त आया सिंध रेंजर पेश कदम कदम रही है। तो इंशाल्लाह अभी भी ये जितना भी यहाँ पे राशन अदील मलिक साहब और दूसरे की तवसत से आप हमारे तक पहुँचा रहे हैं 50,000 पैक, इनके लिए आपकी टीम के साथ साथ इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना हम लोग भी खड़े होंगे और इस वक्त भी आप लोगों के साथ साथ पूरे सिंध के अंदर हमारे रेंजर्स के जवान जितनी भी हमारी नफरी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और यहाँ पर भी इंशाल्लाह हमारे अफसर के हिदायत के मुताबिक दिन के टाइम पे भी यहाँ हम लोग के साथ भरपूर ताउन करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये ताउन आपके साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, रेंजर्स हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सिंध पुलिस हो, SSU डिपार्टमेंट हो, पुलिस का कमाल काम हो रहा है मुसीबत जदगान के लिए, आफत जदगान के लिए, जिनको एक आफत आई और ख़तरनाक आफत आई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मनाजिर के यहाँ पर सैकड़ों नौजवान रेंजर्स के होंगे, हज़ारों बल्कि कह लें उनके भी रजाकार होंगे, हज़ारों वॉलंटियर्स होंगे, एलियानिक कराची होंगे, मिल के ये 50,000 बोरे पैक करने ताकि 3 से 4 दिन में आने वाले मजीद उन्हें पैक करके इनके हवाले किया जाए। बस इंशाल्लाह कल तक सप्लाई पूरी हो जाएगी, मजीद आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों के इल्म में आए कि अगर आफत बड़ी आई थी तो JDC, AD मलिक, शाहिद कुरैशी, रेंजर्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, SSU सब ने मिल के अपने अपने तरीके से जैसे भी लाखों बोरे, लाखों लोगों के लिए मेडिसन, लाखों खेमे, क्या कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, जो भी इमदाद हो रही है सबकी तरफ से, लेकिन मैं JDC जो अपना हिस्सा डाल लिया आपके सामने, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।